रहे हैं, ठीक है, तो इंक्लाइन प्लेन, तो सॉलिड रीच द फर्स्ट, सबसे पहले कौन पहुंचेगा? देखो सबसे पहले कौन पहुंचेगा, इसको तुम ऐसे भी दो तरीके से कर सकते हो। एक तो तुम्हें एक्सलेशन का फॉर्मूला याद है, एक्सलेशन इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, या नहीं तो टाइम वाला फार्मूला, टाइम इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा साइन थीटा और 2h 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट, ठीक है। अब के स्क्वायर आर स्क्वायर जिसका ज्यादा होगा उसका टाइम ज्यादा लगेगा, वो बाद में पहुंचेगा, और जिसका के स्क्वायर स्क्वायर सबसे कम होगा वो टाइम कम लेगा, वो पहले पहुंचेगा। जिसका के स्क्वायर स्क्वायर कम होगा, ये वाला फैक्टर जिसका कम होगा उसका एक्सलेशन मैक्सिमम होगा और वो पहले पहुंचेगा, बात वही हुई, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि के स्क्वायर स्क्वायर हमें निकालना पड़ेगा। तो के स्क्वायर सॉलिड स्फीयर और डिस्क और सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, तो सॉलिड स्फीयर का के स्क्वायर स्क्वायर कितना होता है? तो सॉलिड स्फीयर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम के स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5 एम आर स्क्वायर, ठीक है, सॉलिड स्फीयर का। तो ये मेरे प्यारे बच्चों आ जाएगा के स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ कि के स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5 मतलब 0.4, दैट इज सॉलिड स्फीयर। और डिस्क और सिलेंडर, डिस्क और सॉलिड सिलेंडर का इन दोनों का सेम होगा, दैट इज द एम के स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2, इसका मतलब ये हुआ कि के स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.5 आया। इन दोनों का सेम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है, इसका मतलब ये हुआ डिस्क और सॉलिड सिलेंडर एक साथ पहुंचेंगे, सॉलिड एंड डिस्क, सॉलिड सिलेंडर और डिस्क एक साथ पहुंचेंगे, और स्फीयर का सबसे कम है, ठीक है, स्फीयर का, हाँ सब ये दोनों एक साथ पहुंचेंगे, लेकिन इन दोनों में कंपैरिजन करोगे तो ये ज़्यादा टाइम लेगा, स्फीयर कम टाइम लेगा, और स्फीयर पहले पहुंचेगा, ठीक है, स्फीयर विल रीच द बॉटम फर्स्ट, मतलब ए ऑप्शन सही है। चलो वीडियो पॉज करो।